है आए दिन चोरी, घरफोड़ी व लूटपाट के अपराध के मामले काफी बढ़ते जा रहे थे। वही मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच 2 ने जो है बड़ी सतर्कता से इसकी जांच कर रही थी, जहां क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को गुप्त सूचना मिली कि एक आरोपी जो है वह घरफोड़ी जो है चोरी करने वाला है। वही सीसीटीवी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच 2 ने बड़ी ही चालाकी से आरोपी शबाद उर्फ बाबू शेख को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। नहीं, इस पकड़े गए आरोपी पर कुल मुंबई व वसई विरार समेत 16 मामले दर्ज है, जिसका पुलिस ने खुलासा भी किया है। वही पकड़े गए आरोपी के पास से 1 लाख से भी अधिक का मुद्दे माल जब्त किया गया है। बता दें कि यह पकड़ा गया आरोपी आए दिन लूटपाट, घरफोड़ी और वाहनों की चोरी किया करता था। के पास में यहाँ पे वसई विरार में रहने को आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। इंट्रोगेशन में हमने उसके पास से पूरा पूछताछ कर किया और उसके बाद में हमने अभी तक 2 4-व्हीलर्स, 12 बाइक, 4 मोबाइल इतना अभी तक हमने उसके पास से बरामद किया है। इसमें करीबन वसई विरार के एरिया में के 14 गुने डिटेक्ट हुए हैं। उसमें व्हीकल थेफ्ट के 11 गुने हैं, घरफोड़ी हाउस ब्रेकिंग का 1 है, मोबाइल चोरी का 1 है और एक अलग चोरी का, ऐसे करीबन 14 गुने हमने अभी तक डिटेक्ट किए हैं। गाड़ी चुराता था, उसने एक जो चाबी बनाने वाला एक दुकान है उसका दुकान पहले उसने शटर फोड़ के उसका जो सामान चोरी किया था, उसके बाद में वो चाबी लगा के, डुप्लीकेट चाबी लगा के वो बाइक्स या 4-व्हीलर चोरी करता था। जैसे ही उसमें का पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता था वो गाड़ी फेंक के दूसरी गाड़ी चोरी करता था। ये 23 साल का है, इसके ऊपर पुराने 9 गुने दाखिल है मुंबई के एरिया में, कुर्ला पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुने दर्ज है और ये यही मोटरसाइकिल चोरी की गुने। तो अभी तक तो उसमें सिर्फ एक ही बंदे का इन्वॉल्वमेंट पता चला है, इसके बाद में और कोई इसके साथीदार है क्या है वो अभी हमने पुलिस कस्टडी ली है, पुलिस कस्टडी में आगे की जांच।